रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मजदूर ने रेलवे कोर्ट के पास निर्माणाधीन इमारत के नीचे 7 महीने के एक बच्चे की लाश सफेद कपड़े में लिपटी देखी। सूचना पर पहुंची जीआरपी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए अस्पताल की मोर्चरी रखवा दिया। जीआरपी थाने के सब इंस्पेक्टर महेश चंद्र ने बताया कि रेलवे स्टेशन परिसर में एक मृत पड़े बच्चे की सूचना मिली। सूचना पर पहुंचे स्टाफ ने आसपास के इलाके में मृत बच्चे के बारे में जानकारी लेनी शुरू कर दी मगर सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजकर स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बच्चे के परिजनों की तलाश शुरू कर दी। नया फूड प्लाजा बन रहा है, यहाँ बाहर किस जगह है, रात को तो कोई 10 बजे तो बता रहा ठेकेदार कि भाई एक टाइल्स आई थी तो यहाँ सफाई करके टाइलें रखवाई गई थी। सुबह एक बच्चे की बॉडी मिली है तो प्राथमिक जांच से लग रहा है कि भैया कोई बीमार था और उसे ये ख़त्म हो गया तो वो घरवाड़ी को बारिश छोड़ के लावारिश छोड़ के चले गए। उम्र का भी 6-7 महीने के आसपास का है बच्चा। क्या आप पुलिस कार्रवाई क्या करेगी? पुलिस पोस्टमार्टम कराएगी पहले तो और इसके परिजनों की तलाश करने की कोशिश करेगी।